गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अलोंग विद यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, एंड दिस आर्टिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 12th यूनिट 6 ऑप्टिक्स। This article contains some important terms. Now, what are these important terms? First one is reflection and its types. Reflection क्या होता है, कितनी तरह का होता है? Second, mirror क्या होता है? और हम कब कहेंगे कि ये mirror smooth है और हम कब कहेंगे means regular surface है, smooth surface है, well furnished surface है, और कब कहेंगे कि ये irregular surface है? ये जो टॉपिक है ये मैंने क्लास 12th चैप्टर यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स से लिया है, और आज से 2 ईयर्स अगर हम बैक जाएं तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो आज इन्हीं ही पॉइंटों के ऊपर आज हम डिस्कशंस करेंगे, और जल्दी ये जो वीडियो है वो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। द टॉपिक इज Some important terms. कुछ एक important terms के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, mirror की। फिर मैं आपको बताऊंगा reflection and its types, और third में हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिरर की। नाउ व्हाट इज मिरर? मिरर बेसिकली है क्या? ए स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट रेगुलरली मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। अगेन रिपीटिंग, ए स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट रेगुलरली मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। मीन्स एक स्मूथ मीन्स प्लेन सरफेस जो कि वेल पॉलिश्ड हो, जिसके ऊपर जब हम लाइट को गिराएं तो वो लाइट को 100% रिफ्लेक्ट करते, तो दिस इज कॉल्ड मिरर। तो मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं मिरर की। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिरर? A smooth and well polished surface which reflect regularly most of the light falling on it। मीन्स एक स्मूथ और वेल फर्निश सरफेस जिसके अंदर कोई इररेगुलरिटीज ना हो, कोई डंप ना हो, और जब हम उसके ऊपर लाइट गिराएं तो वो लाइट को हमारे रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस भेज दे, तो इसे हम मिरर कहेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सरफेस आपका स्मूथ है या नहीं है? बड़े ध्यान से सुने, किस सरफेस को हम स्मूथ सरफेस कहेंगे? जब भी आप किसी सरफेस को टच करोगे तो उसके अंदर बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट सम इररेगुलरिटीज, जिनकी अपनी एक सेपरेशंस ऑफ इररेगुलरिटीज भी होंगी और उनकी अपनी एक हाइट भी होगी। अगर जो हाइट एंड सेपरेशन ऑफ इररेगुलरिटीज जो उस सरफेस पे पाई गई हैं, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो इफ द हाइट एंड द सेपरेशंस बिटवीन द इररेगुलरिटीज इज स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, तो हम कहेंगे कि वो सरफेस हमारा स्मूथ है। वैसे तो कोई भी सरफेस आपका स्मूथ नहीं होता जब आप देखते हो, मीन्स जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो सरफेस के अंदर आपको बहुत सारी इररेगुलरिटीज मिलेंगी, छोटे छोटे डंप मिलेंगे, और सेकेंड उनकी अपनी एक हाइट भी होगी। लेकिन हम कब कहेंगे कि वो सरफेस स्मूथ है? जब हाइट और जो सेपरेशंस बिटवीन द इररेगुलरिटीज है वो स्मॉल हो एज कंपेयर टू द
वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, तो हम कहेंगे कि वो सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ। हम कब कहेंगे सरफेस स्मूथ है, मैं दोबारा लिख देता हूं, ए सरफेस इज सेड टू बी स्मूथ इफ द हाइट एंड द सेपरेशन बिटवीन द इरेगुलरिटीज इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। हम कब कहेंगे कि जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ है। दोबारा सुने, आपने एक सरफेस को देखना है, वो आपको नेक्ड आई से बिल्कुल स्मूथ नजर आएगा, लेकिन व्हेन एवर यू हैव टू सी द सरफेस ऑफ द सरफेस अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप, देन यू हैव टू फाइंड सम इररेगुलरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डम्स। और जब आप उसे देख रहे हैं तो उनकी अपनी एक हाइट भी है और सेपरेशन भी है इररेगुलरिटीज के बीच में। इफ द हाइट एंड द सेपरेशन बिटवीन द इररेगुलरिटीज इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, तो हम कहेंगे कि ये सरफेस उसके लिए क्या है, स्मूथ है। तो आपको समझ में आ गया स्मूथ सरफेस कौन से होते हैं, इसको हम रेगुलर सरफेस भी कहते हैं, स्मूथ सरफेस कहते हैं, वेल पॉलिश सरफेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन बेसिकली है क्या, मैं यहां पे सबसे पहले बात करता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। सपोज दिस इज द सरफेस, सपोज दिस इज द सरफेस, और ये सरफेस कैसा है, वेल पॉलिश सरफेस है, वेल पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस है। अब आपने क्या करना है, इस वेल पॉलिश स्मूथ सरफेस के ऊपर लाइट को फॉल करवाना है। सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आपने इंसिडेंट रे ए बी को इसके ऊपर फॉल कराया एट पॉइंट से ओ, एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। और आपको पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब आप रे को किसी भी वेल पॉलिश स्मूथ सरफेस पे गिराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इफ द लाइट इज टू बी गोज इनटू द सेम मीडियम जहां से वो आई थी वहीं वापस चली गई, और जितने एंगल से आई थी उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो हम इसे कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन है। दोबारा सुने, रिफ्लेक्शन, एक स्मूथ सरफेस लेंगे और आप इसके ऊपर लाइट को फॉल कराएंगे, दिस इज द इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे ये गिरेगी दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर रे सरफेस पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो और बाउंस बैक हो जाए किसमें, उसी ही मीडियम में जिस मीडियम से आई थी, और कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो, सेम एज दैट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन हुआ है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मींस द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। तो रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम, कि लाइट का सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाना मीडियम को चेंज किए बिना, और जितने एंगल से आई थी उतने ही एंगल से वापस चली जाए, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। दोबारा सुने डेफिनेशन, इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट या फिर द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस एंड गोज इन टू द सेम मीडियम वेयर दे विल कम। जहां से वो आ रही थी, मान लेते हैं वो एयर से आ रही थी और इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद
जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन हम इसकी क्या बताएंगे, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंड व्हाट इज आर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है। जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। अब रिफ्लेक्शन को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो सेकेंड आपके पास वो है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये क्या चीज है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। पहली बात तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपका जो सरफेस है वो पूरा स्मूथ होना चाहिए, और इररेगुलरिटीज के लिए आपका सरफेस रफ चल सकता है। क्या बताया मैंने, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो आपका सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो आपका सरफेस है वो रफ होगा। तो जब आप एक स्मूथ सरफेस की बात करेंगे, सपोज दिस इज द स्मूथ सरफेस, दिस इज द स्मूथ सरफेस। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब इंसिडेंट रे इसके ऊपर गिरेगी एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू वन एंगल ऑफ इंसिडेंट द लाइट गोज इन टू द वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि हम कब कहेंगे कि रिफ्लेक्शन रेगुलर हुआ है, इफ द सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट इन टू ए वन पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। कि अगर लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट के लिए जब लाइट को रिफ्लेक्ट करे, कि अगर सरफेस एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट के लिए लाइट को रिफ्लेक्ट करे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर सरफेस रिफ्लेक्ट कर दे लाइट को इन मैनी डायरेक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द वन डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम कहेंगे कि वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। सपोज यहां पे मैं एक सरफेस लेता हूं एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड रफ सरफेस, इसमें बहुत सारी इररेगुलरिटीज है। इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द वन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस देर इज ए लार्ज नंबर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स सरफेस जो है रिफ्लेक्ट द लाइट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि एक सरफेस है, उस सरफेस पे बिल्कुल स्मूथ टाइलें बिछी हुई हैं। जब आप बॉल को यहां से ऐसे फेंकेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बॉल ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां पे मान लेते हैं सरफेस को स्मूथ कर दूं, टाइलों के ऊपर मान लेते हैं मैं बजरिया बिछा दूं, अब जब बजरिया रैंडम उसके ऊपर बिछा दी गई तो वो सरफेस कैसा हो गया, इररेगुलर हो गया, उसके अंदर बहुत सारी इररेगुलरिटीज आ गई। अब जब आप टेनिस बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो वो बॉल अगर ऐसे आ रही है तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द डायरेक्शन कि वो ऐसे ही जाएगी, वो इधर भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है, वो उधर भी जा सकती है, एंड सो ऑन। आप 10 बार जो है बॉल को एक स्मूथ सरफेस पे गिराएं जिसके अंदर एक बिल्कुल वेल फर्निश्ड टाइल्स हैं, तो आप अगर ऐसे गिरा रहे हैं तो एवरी टाइम बॉल जो है ऐसे ही जाएगी। लेकिन अगर आप वो रफ सरफेस ले जिसपे बजरियां बिछी हुई हैं और आप बॉल को अगर गिराते हैं तो आप देखेंगे कि कभी बॉल इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, कभी बॉल इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं लॉस की। रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो आप ध्यान रखें कि जो आपका एंगल आई है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा। सेकेंड, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। क्या बताया मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, पहला
कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. सेकंड, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन. तो ये आज हमारा एक कंप्लीट डिस्कशंस था एक रिफ्लेक्शन के ऊपर, जिसमें से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो इसीलिए आज जो है मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया है. जल्दी इसका जो वीडियो है वो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा. सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोज़, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरुजी.